बॉलीवुड में सलमान खान को दबंग और भाईजान जैसे नीडर नामों से भी जाना जाता है। उन्हें एक डेयरिंग बाज और अपने धुन का पक्का समझा जाता है, जो कभी किसी के आगे नहीं झुके। मगर अपनी प्यारी बहन अर्पिता के पति यानी अपने बहनोई आयुष शर्मा के लिए वो झुक गए और शायद पहली बार उन्हें हालात के सामने झुकना पड़ा। दरअसल सलमान खान अपने बहनोई आयुष शर्मा को फिल्म लवरात्रि से लॉन्च करने वाले थे। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, मगर इस फिल्म के टाइटल को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है कि ये टाइटल समाज के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करता है। इस इशू को लेकर कहीं पुलिस में कम्प्लेन लिखाई गई है तो कहीं कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। यहाँ रिलीज डेट करीब आती जा रही है और सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर फिल्म का टाइटल नहीं बदला गया तो इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी नहीं होने देंगे। आखिर सलमान खान ने ये फैसला किया कि वो अपने बहनोई आयुष शर्मा की डेब्यू फिल्म के साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे और उन्होंने इस फिल्म का नाम बदल दिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया कि इट्स नॉट स्पेलिंग मिस्टेक, लव टेक्स ओवर। सलमान खान ने अब इस फिल्म का नाम रखा है लव यात्री, अ जर्नी ऑफ लव। हमारा ख्याल है कि ये नाम लव यात्री ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है अब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिल्म लव यात्री समय पर रिलीज होगी और होपफुली सक्सेसफुल होगी। ऑल द बेस्ट टू लव यात्री। सब्सक्राइब टू बिस्कुट टीवी and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.